सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा, आज हम बात करने वाले द लेजेंडरी सामुराई अपने टाइम का स्वॉर्ड्समैन किंग रियुमा के वन शॉट मांगा के बारे में। एनिमे वॉचर्स, वीडियो को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हर बंदा देख सकता है, चाहे तुम एनिमे वॉचर्स हो या फिर मांगा रीडर हो। बिंदास होके ये वीडियो एंजॉय करो, बस तुम थ्रिलर बार्क तक देखा हुआ होना चाहिए। अब हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग आकर के एक सवाल पूछ सकते हैं, ओडा ने कब रियुमा के बारे में वन शॉट मांगा लिखा। 1994 में एचिरो ओडा ने मॉन्स्टर नाम की वन शॉट मांगा सीरीज निकाली थी, जिसमें 5 कवर स्टोरीज थे, जिनमें से पहले के 2 कवर स्टोरी एक गनमैन के ऊपर था, उसके बाद एक मॉन्क के ऊपर था, और 4th का कवर स्टोरी रियुमा के ऊपर था। एंड नंबर 5th, जिसे तुम सब शायद नाम सुना ही होगा, तुम सब ने यार सुन रखा है, रोमांस डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। अब हाँ, जिसका 1000 एपिसोड आ चुका है, उस वाले एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस वाले वन पीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोमांस डाउन की बात कर रहा हूँ। इसका स्टोरी थोड़ा अलग सा था। अब इस वाले रोमांस डाउन की बात मैं कभी और करूंगा, जब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं रियुमा के कवर स्टोरी को लेके। इस मांगा के हिसाब से जो प्रेजेंट टाइम चल रहा था, उसके 10 साल पहले एक ड्रैगन का हॉर्न चोरी हो जाता है। उस हॉर्न में किसी तरह की मिस्टीरियस पावर होती है, प्लस जिसने उस हॉर्न को चुराया होता है उसने सभी गार्ड को मार दिया होता है। अब हाँ, प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। यहाँ एक टाउन दिखाया जाता है, जहाँ सिरानो नाम का बंदा आया हुआ होता है, लगता है वो यहाँ का हीरो है। वहीं हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि वहाँ एक सामुराई जो भूख से तड़प रहा होता है, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इस वजह से उसे हर दुकानदार लात मार के निकाल रहा होता है। नेक्स्ट पेज में हमें एक रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ के अंदर के सभी लोग एक बंदे को घूर घूर के देख रहे होते हैं, जैसे कि वो कोई हीरो है। अब वो बंदा कोई और नहीं, सिरानो है। एक बंदा कहता है, That swordsman who is said to be as great as the king himself. Plus, यहाँ हमें एक फीमेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नेम फ्लेयर है, और वो यहाँ की वेट्रेस है। जब फ्लेयर सिरानो को सर्व कर रही होती है, तभी वहाँ एक बंदा खिड़की में से झांक रहा होता है। वो कोई और नहीं, वो वही सामुराई है जिसे हर दुकानदार लात मार के निकाल रहता है, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। फ्लेयर उस सामुराई को खाने को देती है, वो खाना खाता है, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो सामुराई कौन है। खैर, सिरानो वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी सिरानो का स्वॉर्ड रियुमा के स्वॉर्ड से गलती से टच हो जाता है। अब जिस किसी को ये वाला सीन समझ में नहीं आया, वो लोग एक चीज जान लो, 2 अलग अलग स्वॉर्ड जब आपस में टच करते हैं तो सामुराई के लिए एक ड्यूअल चैलेंज होता है, और ये चीज सिरानो ने गलती से किया होता है, बट रियुमा इसे सीरियसली ले लेता है, बिकॉज उसके तलवार के साथ किसी और का तलवार टच करे ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं है, और वो सीधे जाके सिरानो को चैलेंज कर देता है। वो यही नहीं रुकता, वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस मुच्छड़ के ऊपर हमला कर देता है। सिरानो उसके अटैक को डॉज करता है और अपना स्वॉर्ड निकाल के रियुमा के गर्दन के पास रख देता है। एक तरह से तुम समझ लो, यहाँ पर सिरानो जीत जाता है। नहीं, सिरानो ने जब डॉज किया था रियुमा का अटैक, तो वो अटैक जाकर के लगता है कॉपर के मूर्ति पे। अब वो मूर्ति ना बीच में से कट हो जाता है। भाई, रियुमा का पावर देख रहे हो? इस चीज को उस रेस्टोरेंट का एक वेटर गौर करता है, और वो ये देख के हैरान है कि बस स्वॉर्ड के एक स्लैश से कॉपर के एक स्टैचू को बीच से काट दिया। अब इधर टाउन में एक और स्वॉर्ड्समैन आ रहा होता है, जिसका नेम फिलहाल के लिए D.R. है। अब इसका फुल नेम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, एक थर्ड रेट स्वॉर्ड्समैन है। तो दूसरी तरफ रियुमा रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना ठूस रहा है। रेस्टोरेंट के वेटर उसे कहानी सुनाता है सिरानो के बारे में। आज से 7 साल पहले ड्रैगन ने एक छोटे से विलेज पे हमला कर दिया। वहाँ चारों तरफ आग फैला हुआ था, हर किसी को लगा कोई नहीं बचेगा, पर तभी वहाँ उस आग में से एक स्वॉर्ड्समैन एक बच्ची को अपने हाथ में लेके आया। वो कोई और नहीं, वही सिरानो द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन था। वो बच्ची जो उस आग में बच गई, वो कोई और नहीं, फ्लेयर है। हर बंदा सिरानो को अपना आइडल मानता है, हर कोई उसी के जैसे बनना चाहता है। वेटर यही नहीं रुका, अभी और सुनो, वो कहता है, कहा जाता है उसका स्वॉर्ड स्किल स्वॉर्ड्समैन किंग के बाद दूसरे नंबर पर है। रियुमा को भी ये पता नहीं है कि आखिर स्वॉर्ड्समैन किंग कौन है। वो कहता है, अच्छा तो वो किंग है जो होल्ड करता है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल। एक्चुअली में वो स्वॉर्ड्समैन किंग के साथ ड्यूएल करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है
उसके दिल में ग्रेट वॉरियर का सोल होगा। अब वो ये बात जानता ही नहीं है, यहाँ पर उसी की बात चल रही है और लोग भी उसे नहीं पहचानते। रियुमा उस टाउन से निकल रहा होता है, तभी उसके स्वॉर्ड के साथ फिर किसी और का स्वॉर्ड टच हो जाता है। वो कोई और नहीं, वही थर्ड क्लास स्वॉर्ड्समैन होता है। आगे शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रियुमा ने क्या क्या होगा, पर रियुमा के साथ ही उल्टा चूतिया कट जाता है। उस बंदे के पेट के अंदर एक स्वॉर्ड घुसा हुआ पहले से ही रहता है और वो इस चीज का जिम्मेदार रियुमा को ठहराते हुए कहता है, तुमने ये क्या कर दिया। वो बोलता है, क्या लगता है तुम ऐसा करके ये मुझसे ले लोगे, साला हम तो डूबेंगे साथ में, तुमको और इस पूरे टाउन को लेके डूबेंगे। वो ड्रैगन का हॉर्न निकालता है, हाँ उसी के पास होता है ड्रैगन का हॉर्न, और उसे वो तोड़ देता है। ये चीज देखने के बाद टाउन के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वहां किसी भी वक्त ड्रैगन आ सकता है। कुछ लोग रियुमा को गालियां देना शुरू करते हैं। अब उसी वक्त वहां आती है फ्लेयर चान और ले थप्पड़। सीज लाइक, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम उस टाइप के बंदे हो तो मैं तुम्हें कभी खाना नहीं देती, तुम्हें भूखे मरने ही छोड़ दिया होता। अब ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही होती है, हर कोई रियुमा को ही जिम्मेदार मानता है, लेकिन वहाँ एक चीज अभी क्लियर नहीं होती, वो है वो हॉर्न फेक था या रियल। अब इस चीज को भी आके साफ कर देता है सिरानो। वो कहता है ये हॉर्न असली है। फिर क्या था, सब भागने लगते हैं। सिरानो यहाँ ज्ञान देना शुरू करता है, अगर तुम उसे दोषी ठहराओगे तो भी ड्रैगन आ ही जाएगा, क्या तुम सभी मुझे उस ड्रैगन के साथ फाइट करने दोगे। फ्लेयर इस बात पे राजी नहीं होती, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कोई बंदा नहीं सुना, उसका नाम ही नहीं सुना जिसने ड्रैगन को मारा हो, जिसके पास दम हो ड्रैगन को हराने का। फिर क्या था, सिरानो अपने ज्ञान वर्धक बातों का इस्तेमाल करता है, ज्ञान देना शुरू करता है। वो कहता है ह्यूमन और ड्रैगन के पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये बात नहीं है जीत या हार की, ये बात है शान की। दूसरी तरफ टाउन के लोग रियुमा को ही गुस्से से देख रहे हैं, ऐसा मन कर रहा होगा कि रियुमा का सर काट के अलग कर दे वगैरह वगैरह। वो लोग उसे कहते हैं हाराकिरी करो हाराकिरी करो, क्योंकि वो एक मर्डरर है। अब जिसे हाराकिरी का मतलब नहीं पता, इतना बस जान लो सामुराई अपने स्वॉर्ड से अपने ही पेट में मार के खुद को जान दे देता है। अब ये सारी चीजें लोगों के मुंह से सुनने के बाद, वो लोगों का ताना सुनने के बाद रियुमा अपना स्वॉर्ड हाथ में लेता है। सिरानो कहता है स्टॉप इट, हाराकिरी इज फुलिश थिंग। रियुमा भी लाइक साला कर कौन रहा है, ड्रैगन उस टाउन में आने वाला रहता है। सिरानो सभी को वहां से दूर जाने के लिए कहता है, इस जगह को खाली कर दो क्योंकि अब फाइट होने वाला है द लेजेंड द हीरो, वो बंदा जो स्वॉर्ड्समैन किंग नहीं है। तुम्हें यहाँ क्या लगा, रियुमा और ड्रैगन का फाइट का बात करूंगा। रियुमा तो यार अभी वो फ्लेयर के साथ रेस्टोरेंट के अंदर है, बाकी सब तो भाग गए। यहाँ पर रियुमा फ्लेयर से पूछता है, मैंने सुना है तुम ड्रैगन के अटैक की सर्वाइवल हो, क्या ड्रैगन सच में डरावने होते हैं। फ्लेयर ड्रैगन को याद करने लगती है और उसके बाद वो थोड़ी डर जाती है, फिर वो उस जगह से उठ के भागने लगती है। किसकी तरफ, सिरानो की तरफ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिरानो अपना जान दे। रियुमा भी उसके साथ होता है, रियुमा उसे रोकने का ट्राई करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो वही लड़की जा करके वहां पर अपना जान दे दे। वो लड़की डरती नहीं है, वो जबरदस्ती देखना ही है उसको वहां चल क्या रहा है। और हम लोग वहां पे क्या देखते हैं, वो D.R वाला बंदा और सिरानो, ये लोग दोनों मिल के उस विलेज को लूट रहे हैं। हाँ ये दोनों नमूने चोर हैं, कोई लेजेंड वेजेंड नहीं है ये लोग। हमें यहाँ पर 7 साल पुराना बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जो 7 साल पहले ये लोग क्या कर रहे थे, 7 साल पहले भी यही कांड चल रहा था, इन लोगों का ही सब कुछ किया कराया था। वहां पर जब चारों तरफ आग लगा हुआ रहता है, ये लोग क्या कर रहे होते, चुरा रहे होते सामान, तो वही उसे एक बच्ची, हाँ मैं सिरानो की बात करूँ, सिरानो के पास एक बच्ची जो है रोती हुई आती है और वो सिरानो से कहती है उसकी मॉम और उसके डैड फंस गए हैं, उनको जाकर के प्लीज बचा लो, और वो बेहोश हो जाती वहां पर। अब ये सारी चीजें जो नौटंकी यहाँ पर सिरानो और वो D.R वाला उसका पार्टनर आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सब चीजें रियुमा और फ्लेयर दोनों छिपके सुन रहे होते हैं। प्लस यही नहीं गाइस, सिरानो उस बच्ची को उठाता है और जा करके, वो बच्ची तो यार बेहोश है, उसके मॉम डैड को उसी के आंखों के सामने मार देता है। अब वो बच्ची बेहोश है, वरना वो चीज जो है वो देख पाती, और उसे अपने बाप और माँ का कातिल हीरो नजर आता था। और इस बंदे ने क्या किया भाई, उस बच्ची को वहां से निकाला, क्यों, वो जानबूझ के, क्योंकि उसको हीरो बनना था, ये सब इसी का किया कराया था। ये सारी चीजें जो है फ्लेयर को मालूम पड़ती है, वो अंदर से टूट जाती है। यहाँ पर रियुमा ये सारी बातें सोच रहा होता है
किस टाइप का ये कमीना बंदा है। पर वहीं पर फ्लेयर फिर से खड़ी होती है, उठ करके वो बोलती है यू शुड रन अवे टू। उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो चुकी है। वो क्या करती है, वो एक घर के अंदर जा करके खुद को बंद कर लेती है और वो वहां पर अकेले में खूब रोती है। रियुमा ये चीज देख रहा होता है, मतलब वो अंदर का तो नहीं देख सकता पर वो चीज समझ चुका है। अब भाई तुम जानते हो लेजेंड जाग चुका है। दौड़ते हुए वो उस बिल्डिंग से छलांग मारता है और उनके पास जा पहुंचता है। अब जो सिरानो होता है वो अटैक करता है रियुमा के ऊपर, बट रियुमा वन शॉट कर देता है उसे नॉकआउट। और जो दूसरा उसका पार्टनर रहता है वो क्या करता है, वो अपना हॉर्न निकालता है, वही ड्रैगन का हॉर्न, और वो कहता है इससे पहले जो मैंने तोड़ा वो वाला फेक था पर ये वाला रियल है। पर यहाँ पर रियुमा का जवाब मालूम है क्या है, मेरे को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू बुला ले ड्रैगन को, मैंने 3 साल से प्रैक्टिस किया है, मैं ही एक लौता बंदा हूँ जो ड्रैगन को काट सकता है। खैर जो कुछ भी हो, ड्रैगन आसमान में उड़ने लगता है और इधर फ्लेयर छत में बैठ के पूरी तरह से रो रही होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रियुमा भागता है, तेजी से भागता है और वो भागते भागते उस ड्रैगन के पास पहुंचता है और फिर वो कूद के छलांग मार के उस ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर क्या था, फ्लेयर ये देख के हैरान रह जाती है और इधर उसे रियुमा ये ज्ञान दे के चल जाता है नेक्स्ट टाइम से मरने का कोशिश मत करना। प्लस उसे ये भी कह के जाता है मेरा तुम पे एक और एक्स्ट्रा उधार है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो खाना फ्री में फिर खाऊंगा। रियुमा के वहां से जाने के बाद फ्लेयर, वो वेटर और विलेज का सभी लोग हैरान है कि आखिर वही था वो लेजेंड जिसको हम लोग साला गालियां दे रहे थे, जिसे हम लोग दोषी ठहरा रहे थे। हाँ वो वही था स्वॉर्ड्समैन किंग। और वहां पर हमें लास्ट पैनल में दिखता है जो अपना रियुमा है अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहा होता है। और इसी के साथ ही मांगा का ये चैप्टर खत्म होता है। अब तुम मुझे बताओ ये चैप्टर कैसा था, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम सब इस चैप्टर को रीड करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो, सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे जिसको लिंक खोजने में दिक्कत हो रहा है जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करना आरवीएस एनिमे हिंदी, वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर तुम इस चैनल पे घूमते घामते नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になった